हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम सभी साथियों को। आज खुशी टीवी इटली मीडिया प्रभारी विकास कुमार रविदासिया पहुँचे हैं बागपत में बिजरोड़ गांव के अंदर, जिसमें यहाँ पर पार्टी के सभी पदाधिकारी प्रदेश स्तर के व मंडल स्तर के और जिला के तो सभी कार्यकारिणी हैं। आज हम मिलवाते हैं आपको प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी पीताम्बर प्रजापति जी से। हाँ जी, जय भीम साहब। जय भीम। जैसे आपकी कार्यकारिणी काफ़ी टाइम से बागपत में चल रही है और आगे की रूपरेखा क्या होगी, सिर्फ उसी पे ही थोड़ा सा आप प्रकाश डाल लें जी। आगे की रूपरेखा ये रहेगी कि अभी तो हम सभी पूरा संगठन और प्लस पार्टी अभी जो निकाय चुनाव हैं पूरे प्रदेश में उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। निकाय चुनाव से जब फ्री होंगे उसके बाद हम पूरा संगठन पर ध्यान देंगे और पार्टी पर ध्यान देंगे। और हमने एज ए प्रदेश की जिम्मेदारी के नाते से हमारे पास पूरे प्रदेश में 18 मंडल हैं और हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का हर मंडल में एक कार्यक्रम लगाना चाहते हैं और भाई से ये बात हो चुकी है और भाई ने सहमति दी है कि आप संगठन को मजबूत करने के लिए प्लस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम एक मंडल में अभी से लेकर के आफ्टर निकाय चुनाव ये सब जून जुलाई तक कंप्लीट करे जाएंगे, क्योंकि हमारा 9 अक्टूबर को जो बहुत बड़ा एक रैली का प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में तय किया गया है और वो 9 अक्टूबर को प्रोग्राम होगा, उसमें पूरा प्रदेश की भीड़ इकट्ठी होगी और हम सब सहयोग करके उसको सफल बनाएंगे, उसकी भी तैयारी साथ साथ करेंगे। बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल, जैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बागपत में अभी जो देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत बढ़ोतरी हो रही है आजाद समाज पार्टी के लिए, आगे यहाँ के जो दिशा निर्देश होंगे या कैडराइज होंगे तो वे भी एक व्यवस्था बनाई जा और उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार है आपकी जी? मैं फिर इस तरफ आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और अपने सभी देशवासियों का और साथ में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जैसा कि एक साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले बागपत का मैं प्रभारी था, बागपत मेरी देखरेख में चल रहा था और हम पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन किन्हीं व्यवस्था की बदौलत मैं प्रदेश में चला गया और प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे पूरा प्रदेश का जिम्मेदारी मिली है, पूरा ओबीसी समाज को जोड़ करके पार्टी के गति प्रदान करना है। अब हमने एक जिला बागपत को मजबूत करने के लिए मंडल स्तर का एक पदाधिकारीगण नियुक्त किया हुआ है जो कि मंडल उपाध्यक्ष और बागपत स्पेशल प्रभारी बनाए गए हैं मिस्टर जॉनी पॉल, उनके देखरेख में ये पूरा जनपद चलेगा और मैं ये चाहूंगा कि जितना भी संगठन मजबूत हो सके उसको करने की इनसे आशा और उम्मीद रखता हूं और साथ में अपने पूरे कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो सारे द्वेष और भावनाएं छोड़कर इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने में पार्टी की मदद करें और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि 2024 के लिए हम जो लोकसभा के चुनाव हुए भाई ने निश्चित कर रखी है कि बिजनौर से लोकसभा सीट जो नजीबाबाद है बिजनौर की, वहां से चुनाव भाई लड़ेंगे और इसी के साथ मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
और आज मुझे बागपत जनपद में जरोल गांव में बाबा साहेब का 132वां जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में मुझे बुलाया गया और मैं यहां प्रेजेंट हुआ, उपस्थित हुआ और इन गांव वासियों का और सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ये जो हमारे खुशी टीवी जो चैनल है, हमारे जो मीडिया बंधु हैं, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनके माध्यम से हमारे पार्टी के लोग प्लस इस देश के लोग सारे आजा समाज पार्टी और भीम आर्मी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इनके माध्यम से मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनका बहुत सहयोग मिला आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।